Hey guys, this is Abhyuday, a final year MBBS student at AMZ. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए कैसे पढ़ सकते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा यार, हम कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेते हैं, पर जब हमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की बात आती है डेली, तो हम नहीं पढ़ पाते। हो सकता है आप 2-3 दिन के लिए पढ़ लो 10-12 घंटे, बट यार जब वो चीज कंसिस्टेंटली पढ़ने की बात होती है, जब कंसिस्टेंसी की बात होती है कि यार हम मेंटेन कर सकते हैं क्या 4-5 दिन जो आप पढ़ रहे हैं 10-12 घंटे, उसको क्या आप 4-5 हफ्ते या 4-5 महीने या 4-5 साल भी मैं कह सकता हूँ, बहुत लोगों को लग जाता है, इतना क्या आप पढ़ सकते हो? क्या 10-12 घंटे पढ़ना क्या पॉसिबल है? उसके लिए मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो लॉन्ग आवर्स के लिए। ये मैंने भी फॉलो किया था अपने 11th 12th में, और मैं भी कंटिन्यूअसली 8-9 घंटे डेली पढ़ता था अपने 11th 12th में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीकली एंड डेली गोल्स रखने हैं, ठीक है? मतलब कि आपको जैसे आज मंडे है, तो आपको क्या करना है, मंडे को ही वीक में गोल रख लेने हैं कि मुझे क्या क्या चीजें इस वीक में कंप्लीट करनी है, और फिर उस वीकली चीजों को आपको डेली के हिसाब से डिवाइड कर देनी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके माइंड पे हमेशा एक चीज स्ट्रक्चर्ड होगी कि आपको क्या चीज फॉलो करनी है, आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा यार भाई सुबह उठे और पढ़ना क्या है यही नहीं पता, तो ये दिक्कत आपके साथ कभी नहीं होने वाली होगी। आपको पता होगा भाई आज मैं उठाऊं, मेरे पास ये टास्क पड़े हुए हैं, मुझे ये टास्क करने हैं चुपचाप। इस चीज को आप सिर्फ और सिर्फ नीट की पढ़ाई में नहीं, आप कहीं भी किसी भी पड़ाव पे अपने लाइफ के हो, इस चीज को आप जरूर यूज करिएगा वीकली एंड डेली गोल्स। मैं आज भी यूज करता हूँ अपने वीक में मुझे क्या चीजें करनी है, मैं डेली क्या चीजें करनी है वो मैं पहले से प्री प्लान रखता हूँ अगले दिन पिछले दिन ही, जिससे कि मुझे पता होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको वीकली एंड डेली गोल्स फिक्स करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वीक में आपको 6 दिन ऑन रहना है, 1 दिन ऑफ रहना है, ठीक है? आप ना एक रोबोट नहीं है कि आप 7 दिन लगातार काम करते रहे, आप फोन नहीं है किसी का कि आप जब मन किया तब उठाया, जब मन किया तब फेंक दिया, ऐसा तो है नहीं। आप इंसान है यार, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको फिर ना कभी एक कुछ ऑफ टाइम चाहिए होगा जिसपे आप और कुछ चीजें कर सकें, क्योंकि यार किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा करोगे तो आप बोर हो ही जाओगे उस चीज से। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वीकली गोल बनाइए तो उसमें सिर्फ 6 दिन का टारगेट लीजिए, 1 दिन को ऑफ रखिए। अब क्या होगा, मान लो आप 6 दिन में नहीं पढ़ पाए और आपका थोड़ा सा टास्क ओवरलोड हो गया, आपको थोड़ा बैकलॉग आने लगा, तो आप उस जो ऑफ डे था उस दिन भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये आपको एक पनिशमेंट की तरह आपके लिए काम करेगा कि अगर मैं 6 दिन अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं 1 दिन नहीं पढ़ूंगा, ये हो गया रिवॉर्ड। अगर मैं 6 दिन अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जो 7वां दिन है उस दिन भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो दिस इज द पनिशमेंट। तो ये एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम आपके लिए बन जाएगा जो कि आपके पूरे जर्नी में बहुत ही यूजफुल होने वाला होगा, ठीक है? उसके बाद आप रिक्वायर्ड ब्रेक्स लीजिए, ब्रेक लेना बहुत अच्छी बात है, आप ब्रेक जरूर लीजिए। ऐसा नहीं है यार कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो लगातार 6 घंटे पढ़ते ही चले गए, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। आपको 3 घंटे पढ़िए, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक में आप अपने आपको रिज्यूवनेट करिए, आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए। आप हमेशा टाइम टेबल को 100% फॉलो नहीं कर सकते, बट हाँ टाइम टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि आप अपने माइंड में क्लियर होते हो कि आपको किस टाइम पे क्या चीज करनी है। देन उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं पढ़ पाते। बहुत बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, मोटिवेशन वो लैक कर जाते हैं बार बार, कुछ दिनों के लिए पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए पढ़ते हैं, फिर उनके पास जो मोटिवेशन है जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था, जिससे उन्होंने चालू किया था वो चीज इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, वो उनका चला जाता है। उसके लिए आपको मैं बताऊंगा यार भाई आपको एक अच्छा माइंडसेट रखना है। अगर आप में माइंडसेट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज कर सकते हो, तो आप एक्चुअली में कर सकते हो, ठीक है? गुड माइंडसेट मेक्स बोरिंग थिंग्स इजी, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका एक अच्छा माइंडसेट है, जैसे आपको फिजिक्स बोरिंग लगती है, पर आपने माइंडसेट में सोच लिया भाई इस बार तो मैं 180 में 180 फोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए मैं पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं अपने बुक से देखूंगा, नहीं समझ में आएगा सर से पूछूंगा, सर से भी समझ में नहीं आएगा तो नेट से देखूंगा, नेट से भी नहीं समझ में आया तो बुक में से जाके फिर से पढ़ूंगा। जब तक आपका अंदर ये जुनून नहीं होगा ना, तब तक आपको बोरिंग चीज कभी अच्छी लगी नहीं सकती। सो आपको एक माइंडसेट, एक स्ट्रांग माइंडसेट और एक अच्छे माइंडसेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपकी बोरिंग चीजों को इजी बनाएगा और आप उसको लंबे समय तक कर सकते हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जाते हो, आप क्रिकेट में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप क्रिकेट खेलने जब जाते हो तो हो सकता है आपकी एक दिन बैटिंग खराब हुई हो, दूसरे दिन फिर बैटिंग खराब हो, पर तीसरे दिन आप खुद जाते हो खेलने सामने से। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अच्छा होता है, आप सोचते हो कि यार आज तो मैं 100 मारूंगा ही मारूंगा। क्यों? क्योंकि आपके वो माइंडसेट में आपको वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गुड माइंडसेट मेक्स बोरिंग थिंग्स इजी। अब आता है चौथी चीज पे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द स्टडी। बहुत बार क्या होता है यार, हम 10 घंटे बैठे तो होते हैं, पर जो हमारा प्रोडक्टिविटी होती है वो सिर्फ 2 घंटे की होती है, क्योंकि जो चीज हम 2 घंटे में कर सकते हैं उसको हम 10 घंटे में कर रहे होते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि नीट में नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं या जिनके कम नंबर आते हैं कोचिंग में, जबकि वो पढ़ते बहुत ज्यादा है, यही कारण है, रीजन ही यही है। आपने देखा होगा आपके ही बैच में, देखिए 2 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं पर नंबर बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, मान सकता हूँ उसमें से एक चीटिंग करता होगा, बट 2 में से 1 बंदा तो ऐसा होगा जो कम पढ़ता होगा और नॉलेज ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा आते होंगे। और मैं आपको 5 बच्चे ऐसे गिना दूंगा जो कि पढ़ते बहुत ज्यादा है पर नंबर बिल्कुल नहीं आते। और अगर आप भी उन बच्चों में से हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको पैसिव रिविजन और एक्टिव रिविजन की टेक्निक को यूज करना है। कभी भी आप सिर्फ पढ़ते मत रहो, ठीक है, पढ़ते रहे तो ऐसे नहीं करना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्या करो, उसको ढक लो और उससे सोचो कि आपको कितना याद है। उसके बाद आप अगले दिन भी कर सकते हो एक्टिव रिविजन, आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, जैसे कि बारह में लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ये एक मेजर रीजन होता है जिससे उनके नंबर कम आते हैं। तो आपको एक्टिव रिविजन, एक्टिव रिकॉल पे बहुत फोकस करना है। देन उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि आप अपने आप को रिवॉर्ड्स देते रहें रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए आपने एक महीने बाद आप वन मंथ का आपने टारगेट अच्छा फुलफिल किया, या अगर आपको लग रहा है कि इस महीने भाई बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, इस महीने मेरा गोल था कि मैं 620 से 660 पे पहुंचूं या 660 से 700 पे पहुंचूं, आपका टारगेट था कि भाई मेरे को एक बार एक टेस्ट में 720 में 700 के ऊपर नंबर लाने थे। जैसे ही आपके वो नंबर आए, आप अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वो चीज करिए। आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलिए, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है आप मूवी देखिए, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप वो करिए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और आपका जो ब्रेन होगा वो आपको और कहेगा कि भाई ये चीज करते हैं, ये चीज करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलता है तो हम ये चीज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप वो चीज और ज्यादा अच्छे से करोगे और ज्यादा आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स आपको लेने हैं अपने लिए हर रेगुलर इंटरवल पे। अब आते हैं, आप देखो बहुत बच्चे ना रिपीटेड रिवीजन नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो एक बार कोई चीज रिवाइज कर लेंगे या एक बार पढ़ लेंगे फिर सोचेंगे उन्हें याद रह जाएगी हमेशा के लिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि किसी को भी कभी भी कोई चीज हमेशा के लिए याद नहीं रह सकती है। आपको भी पता होगा यार, आप पढ़ते हो कि मेमोरी जो होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा आपको समझाने के लिए, पर आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जब पहली बार कोई चीज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 3 घंटे लगे, आपका जो रिटेंशन रेट हो 30% हो। उसके बाद जब आप सेकंड बार पढ़ोगे सेम चीज आपको लगेगा 2 घंटा और आपका रिटेंशन रेट होगा 50%, आपको 50% चीजें याद होगी। आपको विश्वास ना हो तो आप एक चीज एक बार एक करके देखना और आप करके देखोगे, उसके बाद आप खुद आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे भैया आपकी स्टडी तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे तो आपको 70% रिटेन होगा, 30 मिनट पढ़ोगे आपको 90% रिटेन होगा, ठीक है। आपका जो टाइम है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा और आपको जो रिटेंशन रेट है वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा सा होगा, टाइम का ग्राफ ऐसे कम होगा और जो आपका रिटेंशन का ग्राफ होगा वो ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर चीज देखने को मिलेगी और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सिर्फ हमेशा सबके साथ होता है। इसलिए चीजों का रिपीटेड रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप लॉन्ग आवर्स कैसे पढ़ सकते हो, कैसे जो टॉपर्स होते हैं वो 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ते हैं और आप भी ऐसे टॉपर बन सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।